क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर टेन टेंथ एंड हंड्रेड सो इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए वो हम करेंगे सो so, सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या होता है सो so, ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू अब कौन सी प्लेस वैल्यू होती है जैसे मैं अगर यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ ये तो so, आप इसे कैसे रीड uh, करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है जैसे वन हंड्रेड थर्टी फाइव सो ये आपका वंस प्लेस पर होता है ये टेंथ प्लेस पर होता है ये हंड्रेड प्लेस पर होता है ठीक है लेकिन ये टेंथ एंड हंड्रेड क्या होता है सो so, आपने कई बार देखा होगा इस तरह से डेसीमल लगा होता है ओके डेसीमल के बाद ठीक है इस साइड में जो नंबर्स होते हैं उनके लिए प्लेस वैल्यू यूज़ होती हैं अब ये इस तरफ आप अगर आप देखते हो लेफ्ट साइड में तो वंस से शुरू होता है लेकिन जब आप डेसिमल के बाद देखते हो तो वो टेंथ से शुरू होती है तो ये होती है आपकी टेंथ और ये होता है हंड्रेड सो so, इस तरह से थाउजेंड टेन थाउजेंड इस तरह से सेम चलता रहता है बस ध्यान रखना है कि वहां पर आपका वंस नहीं होता है ओके okay, डेसिमल के राइट right साइड में सो so, ये है प्लेस वैल्यू अब डेसिमल आता कैसे है या उसको कैसे बनाते हैं या फिर उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या फ्रैक्शन दिया तो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं सो so, ये भी बहुत इजी है इसके लिए ट्रिक देखते हैं वैसे जो नंबर होता है जैसे यहां पर लिखा मैंने ये टेन तो इसका मतलब है आपको फाइव को डिवाइड करना पड़ेगा टेन से एंड जो भी आंसर आपका आएगा वो इसको डेसिमल में चेंज करेगा ओके okay? लेकिन अगर उतना नहीं है या फिर डाउट आता है कि डेसिमल को कैसे चेंज हो रहा है या क्या आएगा तो आप क्या कर सकते हो आप एज एजेट इज़ जो भी नंबर आपको दिया है वो लिखेंगे यहाँ पर एज एट इज लिखा अब नीचे देखो क्या है नीचे क्या है टेन टेन में ज़ीरो कितने हैं वन सो आप डिजिट काउंट करेंगे वन एंड देन उसके बाद क्या है वन लिखा हुआ है सो so, उसकी जगह हम लगा देंगे डेसीमल और ये अब फॉर एग्जाम्पल इसके जगह हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आ, ये वाला ठीक है सेम टेन के लिए हमें क्या करना है एज एट इज़ ये नंबर लिखना है ओके देन ज़ीरो काउंट करने कितने जीरो हैं वन तो क्या करेंगे यहाँ पर वन को काउंट करेंगे डिजिट पीछे से काउंट करना है वन डिजिट काउंट किया एंड देन वन की जगह पर वन को यहाँ पर चेंज कर देंगे एज अ डेसीमल सो इस तरह से आप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर फाइव थर्टी सिक्स बाय हंड्रेड दिया होता तो क्या करेंगे अब कितनी जीरो है? हैं दो जीरोज़ हैं सो दो डिजिट काउंट करेंगे वन एंड टू और वन को यहाँ ले जाके किस में चेंज कर देंगे डेसिमल में सो so, इस तरह से ही आपका डेसिमल में चेंज हो जाएगा अब फ्रैक्शन दिया है डेसिमल में कैसे चेंज कर सॉरी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज हो गया तो डेसिमल दिया तो फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे तो जैसे हमने ये किया बिल्कुल वैसे ये रहेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया आपको जीरो एंड वन ठीक है अब आपको चेंज करने से फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है आपका पी बाई क्यू जो नंबर आप इस तरह से लिखते हैं वो होते हैं आपके फ्रैक्शंस ओके okay, अब इसको कैसे चेंज करेंगे सेम चीज करनी है आपको एज एट ये नंबर लिखोगे देन यहाँ पर डेसिमल यहाँ लगा था डेसिमल को हटा के उसकी जगह पर क्या लगाएंगे वन अब डेसिमल के बाद देखो कितने नंबर्स थे डिजिट कितनी है टू तो टू जीरो लगा देंगे अब सेम क्वेश्चन अगर इसके लिए है अब यहाँ पर डेसिमल को हटा के क्या लगाएंगे वन और डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे वन तो क्या लगेगा वन जीरो सो इस तरह से ये आप कर सकते हैं तो ये तो हो गया डेसिमल को चेंज करना या फ्रैक्शन को चेंज करना अब क्वेश्चन आते हैं आपके जो चैप्टर में हैं वो अब देखो जैसे ये है मेजरिंग वाला अब जब भी आप मेजर करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका वो जीरो से शुरू होना चाहिए मेजरिंग पॉइंट अगर वो वन से शुरू होता है तो ये आपका ज़ीरो बन जाएगा जीरो वन टू थ्री ओके कभी भी आप वन से उसको शुरू नहीं कर सकते आप कहाँ से शुरू करेंगे जीरो से बिकॉज आप uh, आप अपने से ले सकते हो कि जिस दिन आपका बर्थ होता है या आप पैदा होते हैं उस साल उस टाइम पे आप एक साल के नहीं होते आप ज़ीरो साल के होते हो नेक्स्ट ईयर आप एक साल के होते हो सो सेम चीज़ यहाँ कि जब आप यहाँ से ये चीज़ को शुरू कर रहे हो वन से तो डायरेक्ट वन कैसे हो गई तो पहले तो वो जीरो रहेगी ना धीरे धीरे बढ़ के वो वन पर जाएगी ठीक है अब जैसे ये पेंसिल को मेजर करना हमें ओके सो यहाँ पर आया वन टू थ्री यहाँ तक तो ठीक है थ्री हो गया ये क्या होते हैं आपके सेंटीमीटर लेकिन आपने देखा होगा इनके बीच में छोटी छोटी लाइन्स लगी होती हैं ये लाइन्स क्या होता है मिलीमीटर क्या होता है मिलीमीटर और जब इन लाइन्स को आप टेन लाइन्स को एक साथ एड करते हो ठीक है देखो यहां पर जीरो था देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जब टेंथ लाइन इसके साथ जुड़ जाती है तो वो बन जाता है वन सेंटीमीटर यानी कि जब आप टेन मिलीमीटर को एक साथ जोड़ते हो यानी कि टेन छोटी छोटी लाइन एक साथ जुड़ जाती है सो डैट इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर ओके अब ये अगर टोटल थ्री सेंटीमीटर तक होती अगर ये पेंसिल जो है आपकी यहाँ तक रहती तो हम इसे लिख देते इसके लेंथ कितना है थ्री सेंटीमीटर लेकिन अभी तो ये और भी आगे गई है तो इसको हम कैसे लिखते हैं हम लिखेंगे थ्री और जितने पॉइंट वो आगे गई है उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर पहले पॉइंट देन काउंट करेंगे कितने पॉइंट आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ पर लगाएंगे सिक्स ये हो जाएगा आपका इतना और आप क्या लिख सकते हो अब देखो थ्री तो हमारा पूरा था तो थ्री क्या हो गए सेंटीमीटर और जो छोटे वाले पॉइंट उन्हें हम क्या बोलते हैं मिलीमीटर तो कितने मिलीमीटर हो गए सिक्स मिलीमीटर सो आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हो या तो थ्री सेंटीमीटर सिक्स मिली हो जाएगा या फिर थ्री सेंटीमीटर ओके एक चीज़ जो है आपको याद रखनी है वो ये है कि वन सेंटीमीटर जो है डेट इज इक्वल टू टेन मिलीमीटर। यानी कि टेन जब ये छोटे छोटे पॉइंट ऐड होते हैं तो वो क्या बनता है वन सेंटीमीटर ओके नाउ अब ये देखो इसका हमें आंट का बताना है कितना अब देखो आंट कहां से शुरू किया वन से तो वन से तो ये नहीं हो सकता जीरो आएगा ना ठीक है अब जीरो से कितना गया वन पॉइंट गई है देन टू पॉइंट एंड देन थ्री पॉइंट सो कितना हो गया सिर्फ थ्री पॉइंट गई है ये पूरा टू तक या थ्री तक नहीं गया थ्री पॉइंट यानी कि कितना मिलीमीटर मिलीमीटर है छोटे वाले पॉइंट के आपके मिलीमीटर सो so, कितना हो गया थ्री मिलीमीटर छोटे वाले पॉइंट जो भी हैं वो आपके हैं मिलीमीटर और जो इस तरह से बड़ी लाइन लगी हुई है वो है आपका सेंटीमीटर ओके okay, उसके बाद में आप देखोगे कि इन दो बड़ी लाइनों के बीच में वन एंड टू के बीच में एक और बड़ी लाइन होती है वो क्या होता है वो होता है इन दोनों का हाफ जिसे हम बोलते हैं जीरो पॉइंट फाइव या वन पॉइंट फाइव जहाँ भी वो रहेगा उतना ही वो मीन्स जिन दो नंबर के बीच में रहेगा उतना ही उस उन दोनों का वो क्या होगा हाफ पॉइंट होता है सो so, ये मेजरिंग वाला हो गया अब यहाँ पर देखो वन मिलीमीटर किसके इक्वल होता है सो so, यानी कि सिर्फ वन पॉइंट लिया है ठीक है अगर सेंटीमीटर में आप देखोगे सो so, वन मिलीमीटर और ये टेन सेंटीमीटर ठीक है मतलब देखो टोटल हमारे पास वन सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं टेन और टेन में से हमें कितना पार्ट लेना है ओनली वन ठीक है तो किसके इक्वल हो जाएगा यानी आप इसको अब इसको किस में चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में ठीक है या फिर आप बोल सकते हो अब इसको डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में हम कैसे चेंज करते हैं वन लिखा एज एजेट इज जो ऊपर था डे जीरो कितने हैं वन डे वन जीरो है तो वन डेसिमल लगा दिया यहाँ पर और इसके आगे आप चाहो तो ज़ीरो लगा सकते हो एज एजट इज भी रख सकते हो तो ये हो गया आपका मिलीमीटर सेम इसी तरह से अब देखो यहाँ पर इन्होंने दिया इसको मेजर करो कितना है सो so, ये भी जीरो से शुरू होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स और सिर्फ छोटे वाले पॉइंट्स है तो मिलीमीटर सिक्स मिलीमीटर उसके बाद यहाँ पे देखो प्रैक्टिस के लिए आपके कुछ क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द नेल इज टू सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर अब कितना मिलीमीटर है टू सेंटीमीटर तो है लेकिन मिलीमीटर कितना है काउंट करो छोटे वाले पॉइंट्स को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन और इसको हम क्या लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं टू पॉइंट नाइन जितने मिलीमीटर है उतना ही हम पॉइंट के बाद लिख देते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं अब सेम हमें लेडी फिंगर का फाइंड आउट करना है अब देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है वन से तो वन से शुरू हो रहा है तो हम उसकी जगह पर क्या कर देंगे वन ज़ीरो कर देंगे देन इसी तरह से बाकी का नंबर भी सबका चेंज हो जाएगा सो तो ये कहाँ तक जा रही है लगभग यहाँ तक ठीक है सो एट सेंटीमीटर है ओके एंड मिलीमीटर कितना है थ्री और इसको हम क्या लिख सकते हैं एट पॉइंट थ्री सेंटीमीटर भी अब इसी तरह से कैंडल्स का दिया इनको मेज़र करके आपको लिखना है मेन क्या है आपको मेज़र करना है उनमें से आ, उसके बाद में ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी आ, नहीं इतना इम्पोर्टेंट ये वाले क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं मार्केट वाला आप देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम में आ सकते हैं अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करना है ओके अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट एक मैच बॉक्स जो है उसका कॉस्ट कितना है सो so ये मैच बॉक्स है कितना है जीरो पॉइंट फाइव जीरो रुपीज़ जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो ओके जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो मीन्स हाफ रुपीज़ यानी कि फिफ्टी पैसे जो है इसका आंसर है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गेट फॉर टू रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे अब टू रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे में कितनी ले सकते हैं सो so, आप क्या करो बिल्कुल ईजी है आप एड करते रहो या फिर आप क्या कर सकते हो टू पॉइंट फिफ्टी में अब एक मैच बॉक्स का प्राइस कितना है फिफ्टी पैसे फिफ्टी पैसे को आप सब्टेक्ट करते रहो अब यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है देखो अब जैसे ये था आपका टू पॉइंट फाइव जीरो ओके इतने रुपए हैं और इसमें सब्टेक्ट क्या करना है फाइव ज़ीरो पैसे ओके okay. सो so, जो चीज़ आपके डेसिमल के बाद है उसे डेसिमल के बाद लिखोगे और जो डेसिमल के पहले है उसे डेसिमल के पहले लिखोगे ठीक है तो ये हो गया आपका सब्टेक्ट देन सब्टेक्ट आपको नॉर्मली करना है अब टू रुपीज़ हो गया अब फिर से हमें फिफ्टी पैसे सब्टेक्ट करना पड़ेगा तो फिफ्टी जो है हम पीछे से ही सब्टेक्ट करेंगे आगे टू के सामने उसे नहीं लिख सकते और नाउ नेक्स्ट जीरो में से ज़ीरो हम नॉर्मली कैंसिल कर सकते हैं जैन जीरो में से फाइव नहीं होगा तो जैसे आप नॉर्मल बोरो करते हैं वैसे टेन हो गया यहाँ पर हो गया वन देन फाइव एन वन ठीक है अब ये आंसर आ गया फिर से हम फिफ्टी पैसे क्या करेंगे इसमें से सब्टेक्ट करेंगे नॉर्मली करना ये देखो डेसीमल यहाँ था तो मैं एजर टीज उसको नीचे लेकर आ रही हूँ और कोई चेंज नहीं कर रही अब जैसे यहाँ पर मेरे पास है अब वन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे मुझे फिफ्ट से फिट फिफ्टी पैसे उसमें से सबैक्ट करना है सो जीरो जीरो एंड डेसिमल एज इट इज़ कुछ भी चेंज उसमें नहीं करना है देन फिर से फिफ्टी पैसे उसमें से सबटेक्ट करेंगे दैन फाइव जीरो एंड जीरो तो अब फिर से फिफ्टी पैसे बच गए अब देखो कितने बार हमने मैच बुक्स लिया वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो कितने मैच बुक्सेज जा आ जाएंगे टू रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे में फाइव मैच बुक्सेस तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन एडिशन या जो भी सप्टैक्शन करना है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है या उसमें ऐसा कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएगी उसे कैसे कैसे करना है अब एडिशन और सब्टैक्शन तो आप नॉर्मली कर सकते हो जैसे आपको करना है और डेसीमल में कहीं चेंज नहीं होगा बस आपको देखना है कि डेसीमल के आगे जो चीज़ है जो नंबर लिखा है उसको डेसीमल के आगे लिखना है और जो पीछे है उसे पीछे और दूसरे वाली जो टर्म लिखोगे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा ये और दूसरे वाली टर्म लिखी मैंने ये तो अब इसे कहाँ लिखेंगी मैं पहले यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगी अब डेसिमल के बाद यहाँ क्या है टू तो यहाँ पर सिर्फ टू रहेगा और यहाँ पर क्या है थ्री और फाइव तो ये यह यहाँ पर रहेगा अब आप बोलोगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर हम जीरो डाल देंगे बस हो जाएगा इस तरह से आपका अब आता है इसमें आई थिंक मल्टीप्लीकेशन आपका होगा भी नहीं नाउ हाउ मैनी रुपीज़ डज द शो सोप कॉस्ट अब सोप जो है उसका प्राइस कितना है अब सोप कहाँ है यहाँ पर ये यह रही एट पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ सो ये हो जाएगा एट पॉइंट सेवन फाइव ओके अर अन वॉन्टेड टू बाय सोप वो जो है एक सोप खरीदना चाहता है ही हैज़ ए फाइव रुपीज़ कोइन पाँच रुपए का एक कोयन uh, है उसके पास देन टू वन रुपीज़ कोइन और दो जो है वन रुपीज़ की कोयन है सो फाइव प्लस टू कितना हो गया सेवन उसके बाद फोर जो है हाफ हाफ रुपीस की कोइन है ठीक है हाफ मीन्स फिफ्टी पैसे के सो फिफ्टी प्लस फिफ्टी वन रुपीज़ हो गया देन फिफ्टी प्लस फिफ्टी टू रुपीज़ हो गया देन टू रुपीज़ और हो गए सो so उसके पास टोटल हो गए नाइन रुपीज़ ठीक है लेकिन उसे जो आ, लेनी है सोप लेनी है उसका प्राइस कितना है एट पॉइंट सेवन फाइव तो आपको बताने कि उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे अब देखो यहाँ पर हमारे पास है टोटल नाइन रुपीज़ और जो चीज़ उसे लेनी उसका प्राइस है एट पॉइंट सेवन फाइव अब इसमें तो डेसिमल है ही नहीं तो क्या करेंगे अब देखो जो आपके डेसिमल नहीं होता तो आप डेसिमल लगा के इस तरह से उस नंबर के पीछे ज़ीरो जीरो लगा सकते कितने भी जीरो लगा सकते आप डेसीमल के बाद ठीक है लेकिन इस डेसिमल के बाद आपको ज़ीरो सॉरी अगर कोई नंबर में ज़ीरो नहीं दिया है या डेसिमल नहीं दिया तो ज़ीरो लगाना जरूरी है अगर दूसरे नंबर में भी ज़ीरो है ओके उसके बाद में आप डेसिमल लगाएंगे देन लिखेंगे सेवन फाइव और यहाँ पर क्या था एट अब मुझे पता करना है कि कितने रुपए वापस मिलेंगे तो मैं सब करूंगी करूँगी यहाँ से इसने बोरो किया इसके पास कुछ नहीं था तो देन इसने इससे बोरो किया एट ये हो गया टेन देन ये टेन और ये हो गया नाइन सो फाइव टू ये कितना हो गया जीरो सो so कितने रुपए उसे वापस मिलेंगे ज़ीरो पॉइंट टू फाइव रुपीज़ सो so, अगर कोई नंबर ऐसा दिया है जिसमें आपके डेसिमल नहीं लगाया हुआ है तो आप क्या करेंगे उसके और दूसरे नंबर में डेसिमल है देखो अगर दूसरे नंबर में भी डेसिमल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक नंबर में डेसिमल है और दूसरे में नहीं है तो दूसरे में आप क्या करेंगे इस तरह से डेसिमल लगा के एंड देन उसके पीछे जीरो जीरो या जितने भी नंबर आपको चाहिए वो लगा सकते हो लेकिन सिर्फ जीरो और कुछ नहीं नाव नेक्स्ट है एन एग कोस्ट टू एंड ए हाफ रुपीज़ एक एग जो है उसका प्राइस इतना है हाउ मच विल वन एंड हाफ डजन कोस्ट वन एंड हाफ डज़न अब देखो वन डजन में होता है ट्वेल्व हाफ में हो जाएगा सिक्स तो टोटल कितने हो गए एटीन अब एटीन एग्स होने चाहिए और एक, एक जो है टू पॉइंट फिफ्टी पैसे का है तो एटीन कितने के हो जाएंगे सो so, अब आपको बताना है एटीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या तो एक एक की मल्टीप्लाई कर सकते हो सॉरी एक एक को ऐड कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो अब नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो एट फाइव सा फोर्टी ओके देन फोर कैरी हो गया सिक्सटीन एंड फोर ट्वेंटी उसके बाद यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे देन मल्टीप्लाई करा फाइव से सॉरी वन से सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन दोनों को ऐड करेंगे अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आपको नहीं आता है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन किया ओके अब आप देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे वन एंड टू तो आंसर में जहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आया है वहाँ पर आप जाओगे एंड यहाँ पर टू डिजिट है तो वहाँ भी पीछे से ओके टू डिजिट काउंट करेंगे वन एंड टू और डेसिमल लगा देंगे तो ये आ गया हमारा आंसर कितना हो गया फोर्टी फाइव रुपीज़ या फिर आप फोर्टी फाइव के साथ जीरो जीरो भी साथ में लिख सकते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मैनी पेन्स कैन कैन एन बाय हाउ मच मनी इज लेफ्ट सो अब जो है कैन कितने पेन जो है बाय कर सकता है नाउ नेक्स्ट है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेन का प्राइस कितना है एंड देन उसके बाद में आप जो है उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर पेन का प्राइस है सिक्स रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे कितना है सिक्स रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे ओके okay? अब देखो उसके पास टोटल रुपीज़ कितने थे सिक्सटी सिक्सटी में से उसने फोर्टी फाइव के एग लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा सो कितने रुपए बचे फिफ्टीन अब फिफ्टीन रुपीज़ उसके पास हैं और एक पेन है उसका सिक्स रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे का ठीक है सो एक पेन और में भी वो ले सकता है तो हम क्या करेंगे जस्ट ऐड करके देखेंगे उसे सो कितना आ गया थर्टीन रुपीज़ सो so, वो थर्टीन रुपीज़ में कितने पेन ले सकता है टू क्योंकि उसके पास टोटल फिफ्टीन है और उसके बाद तो उसके बाद पैसे बचेंगे ही नहीं दो पेन लेने के बाद में उसके पास पैसे नहीं बचेंगे क्योंकि टोटल उसके पास जो अभी पैसे हैं that इज़ फिफ्टीन उसने दो पेन लिए then उसके बाद जो है दो पेन आए उसके थर्टीन रुपीज़ के तो उसके पास कितने रुपए बचे यहाँ पर ओनली टू रुपीज़ सो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर उसके पास कितनी बची Uh, जो है मनी लेफ्ट है टू रुपीज ओके और कितने पेन उसने लिए टू नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई बाई टू पेन विद रुपीज थर्टीन सो आंसर कितना रहेगा यस दो पेन वो खरीद सकती हैं द प्राइस फॉर टू पेन इज थर्टीन रुपीज़ ही होगा बिकॉज वन पेन का प्राइस कितना सिक्स पॉइंट फाइव जीरो सो सेकेंड वाले का भी उतना ही होगा दोनों को ऐड करेंगे सो so आंसर कितना आ जाएगा थर्टीन रुपीज़ ना अब यहाँ पर आपको मैच करना है इन्हें जैसे वन हाफ़ रुपीज़ हो गया वन बाई टू का मीन्स होता है हाफ यानी कि फिफ्टी पैसे और इसको आप रुपए में लिखोगे इस तरह से अब देखो इस रुपए में ऐसे क्यों लिखते हैं बिकॉज वन रुपीज़ इज इक्वल टू हंड्रेड पैसे ओके okay. अब मुझे अगर फाइव पैसे दिया है मुझे उसे रुपीज़ में चेंज करना तो सेम उसी तरह से अब देखो यहाँ पर सिर्फ वन है फाइव लिखा हुआ है लेकिन मुझे तो दो डिजिट चाहिए क्योंकि दो जीरो हैं तो दूसरी डिजिट में क्या लिखूंगी यहाँ पर जीरो लगा दूँगी अगर ऐसा होता है कि नीचे ज़ीरो ज़्यादा है और उतनी डिजिट आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे उस नंबर के आगे डिजिट लगा दोगे आगे जो है ज़ीरो लगा दोगे उतनी ही जितने डिजिट आपको चाहिए जैसे मुझे यहाँ पर दो डिजिट चाहिए तो मैंने क्या किया यहाँ पर फाइव तो मेरे पास था मुझे एक और चाहिए थी तो मैंने क्या किया एक और ज़ीरो लगा दिया तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो नेक्स्ट उसके बाद में वन बाय टेन है सो वन बाय टेन कितना हो जाएगा सो so, टेन पैसे एंड टेन पैसे इज इक्वल टू वन पॉइंट वन ज़ीरो फाइव बाई हंड्रेड ये हो गया आपका फाइव पैसे एंड डैट इज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ओके इनको करके देखना पड़ेगा आपको थ्री बाई फोर जो है आपका होता है सेवेंटी फाइव पैसे और ये आपका हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव नाइन्टी नाइन जो है नाइन्टी नाइन पैसे एंड ये आपका हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन देन वन हंड्रेड सॉरी रुपीज़ वन बाई फोर दिया है तो डेट इज़ ट्वेंटी फाइव पैसे और यहाँ पर रुपीज़ होगा ज़ीरो पॉइंट टू फाइव नाउ अब यहाँ पर देखो क्या है इसमें ये जो आपको स्ट्रिप्स दिए हैं ये है टेन स्ट्रिप्स सो जो भी टोटल होता है वो हम लिखेंगे नीचे ठीक है टोटल हमारे पास टेन स्ट्रिप स्ट्रिप्स हैं अब ये इसका अलग अलग आंसर पूछ रहे हैं ब्लू वाली कितनी है वन तो इसको हम लिख देंगे वन बाय टेन ठीक है फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा ये वन बाय टेन अब ग्रीन वाला कितना है वन टू थ्री थ्री ऊपर हो गया टोटल कितना है टेन सो so, कितना हो गया है थ्री बाय टेन अब आपको बताना है अब अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा ये थ्री जीरो पॉइंट थ्री हो गया अब ये पूछ रहे हैं कि जीरो पॉइंट टू कौन सी है जीरो पॉइंट टू का में जो नीचे वाला नंबर है टू टू वाली फ्रैक्शन या टू जो है कौन सी स्ट्रिप्स है, तो है? येलो वाली अब सेम यहां पर इन्होंने हंड्रेड के लिए कर दिया अब एक बॉक्स में कितनी है यहां पर जो है टेन है और टोटल कितने बॉक्सेस हैं हंड्रेड सो so आपको बताना है ब्लू वाले बॉक्स में कितनी है तो नीचे आएगा हंड्रेड अब ब्लू बॉक्स में कितनी है टेन सो कितना हो जाएगा टेन बाय हंड्रेड सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं जो भी आपको दिया होगा उस तरह से देन यहाँ पर आपको अपना डिज़ाइन बनाना है उसके बाद स्पोर्ट्स डे यहाँ पर आया है अब आपको बताना है कि अनु का जंप कितना था ये टीना का जंप है थ्री पॉइंट फिफ्टी मीटर तो थ्री मीटर एंड फिफ्टी सेंटीमीटर हो गया ठीक है बिकॉज वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर अभी तक हमने क्या किया था कि वन मिली मीटर इज इक्वल सॉरी वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिली मीटर ओके okay, अब क्या हो गया वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर अब यहाँ पर देखो क्या है टीना ने जम किया इतना डेट इज इक्वल टू अब आपको अनु का बताना है अनु का कितना है थ्री पॉइंट जीरो फाइव अब ये क्या फिफ्टी सेंटीमीटर होगा नो no. अब देखो जीरो फाइव है अगर ये फाइव जीरो होता तो फिफ्टी होता अब क्या रहेगा सिर्फ फाइव सेंटीमीटर ओके सो थ्री मीटर एंड फाइव सेंटीमीटर हु इज द विनर इन द लॉन्ग जम्प लॉन्ग जम्प में विनर कौन है रेहाना बिकॉज उसका फोर पॉइंट एंड फिफ्टी है ना कि फाइव है सो so रेहाना जो है इनकी विनर है यहां पर ओके okay, सो so इस तरह से हो जाएगा आपका देन थ्री मीटर एंड फोर्टी फाइव सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे लिखोगे थ्री पॉइंट फोर्टी फाइव जैसे हम मिलीमीटर mm को लिख रहे थे बिल्कुल वैसे ही नाइन्टी नाइन सेंटीमीटर जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन अब देखो जब भी आपको सेंटीमीटर्स को मीटर में लिखने के लिए बोले ना जैसे यहां पर दे दिया थ्री मीटर इसको आपको सेंटीमीटर में लिखना है सॉरी सो, थ्री सेंटीमीटर इसको आपको मीटर्स में लिखना है तो आप क्या करोगे अब देखो वन सेंटीमीटर या वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर था तो अब देखो यहाँ पर कितनी जीरो है दो तो हमें कितने डिजिट चाहिए डेसिमल लगाने के लिए दो हमारे पास एक ही है तो मैंने एक और ज़ीरो लगा दी और डेसिमल लगा दिया फिफ्टी फाइव को चेंज करना है मीटर्स में फिफ्टी फाइव एंड देन डेसिमल सो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं जस्ट आपको क्या करना है दो डिजिट आपको चाहिए एंड देन डेसिमल लगा देना है अब यहाँ पर दिया है वन मीटर एंड फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर दिया है फाइव सेंटीमीटर तो पीछे आएगा बिकॉज फिफ्टी होता तो ऊपर आता ना सो तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव ना अब ये जो अपनी हाइट वगैरह मेजर कर रहे हैं यहाँ पर यू हैव टू ग्रो फोर्टी फाइव सेंटीमीटर मोर टू रीच टू मीटर ठीक है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर और बढ़ना पड़ेगा टू मीटर तक जाने के लिए तो अब उसे जो है उसकी हाइट में जो है या फिर उसकी अभी हाइट कितनी है आपको ये बताना है सो so, अब देखो टू मीटर जाने के लिए उसे फोर्टी फाइव जाना है अब टू मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में अब ये कैसे होगा जस्ट आपके उसके आगे दो जीरो लगानी ये हो गया आपका सेंटीमीटर अब उसे कितना और चाहिए फोर्टी फाइव सो टू हंड्रेड में से मैं फोर्टी फाइव माइनस कर दूंगी सो टेन माइनस फाइव फाइव नाइन माइनस फोर फाइव एन वन तो उसकी हाइट अभी कितनी है जो आगे वाला आपका नंबर है अब देखो हंड्रेड होता है वन मीटर इज इक्वल टू तो हंड्रेड सेंटीमीटर दो नंबर है यानी कि जो दो पीछे की डिजिट होंगी वो है आपके सेंटीमीटर और जो आगे की डिजिट है वो है हाँ आपका मीटर तो वन मीटर एंड फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर अभी जो है उसकी यहाँ पर क्या है आ, लेंथ है या फिर उसकी हाइट जो है अभी उतनी है अब यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आ गए हैं अलग अलग प्राइस इन्होंने दिया है अलग अलग जगह का रूपीज़ में उनको चेंज कर रहे हैं अलग अलग जगह की करेंसी यहाँ पर उन्होंने हमें दी है तो अब इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मीन्स इस तरह का कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आ सकता है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में क्या आपका पूरा क्वेश्चन आपका उसके लिए आ जाए सो so अब यहाँ पर क्या है द करेंसी ऑफ विच कंट्री विल कोस द मोस्ट इन इंडियन रूपीज़ अब कौन सी वाली है जो इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा प्राइस है जिसका तो वो यहाँ पर है ये इंग्लैंड का पोन सो so ये वाला क्वेश्चन हो गया द नेक्स्ट है मिथुन संकल इज एन इन अमेरिका हैडसेंट इन टेन यू एस डॉलर तो मिथुन के अंकल ने जो उसे क्या भेजा टेन यू एस डॉलर भेजे उनके पास मिथुन यूज थ्री फिफ्टी रुपीज़ फोर अ स्कूल ट्रिप जिसमें से मिथुन ने यूज़ भी कर लिया थ्री फिफ्टी रुपीज़ किसके लिए स्कूल ट्रिप के लिए तो अभी जो है उसके पास कितने रुपए होंगे सो सबसे पहले ये किसकी बात करें अमेरिका की यूएस की तो डैट इज़ इक्वल टू थर्टी नाइन पॉइंट सेवन जीरो और टेन यूएस डॉलर भेजे थे सो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इसकी टेन से टेन so, से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा सो so, हमारा आंसर जो है टोटल मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा थ्री नाइन्टी सेवन सो उसके पास हो गए थ्री नाइन्टी सेवन रुपीज ओके थ्री नाइन्टी सेवन में से उसने यूज किया थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रूपीज तो अब जो उसके पास कितने रुपए बचे होंगे सब्ट करना है सो so कितने रुपए बचे उसके पास अभी फोर्टी सेवन रुपीज नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है माजिद माजिद्स फादर इज़ वर्किंग इन यू उसके फादर जो है यू में काम करते हैं एंड ही गेट्स थाउजेंड डीरम उसे थाउजेंड डीरम मिलते हैं एज ए सैलरी और अरुण के फादर वर्किंग है श्रीलंका में उन्हें मिलता है टू थाउजेंड रुपीज़ श्रीलंकन जो रुपीज़ है वो तो किसको जो है इंडियन सैलरी में ज़्यादा मिल रहा होगा अब देखो यू में जो प्राइस है वो है टेन रुपीज़ एंड एटी पैसे इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग और श्रीलंका में जीरो पॉइंट थर्टी सेवन रुपीज़ यानी कि इंडियन रुपीज़ का हाफ से भी कम तो अब जो है किसको ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो मस्जिद के फादर की सैलरी टोटल होगी टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा उस नंबर से अरुण के फादर की जो होगी होगी सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज़ तो किसकी ज़्यादा सैलरी है यहाँ पर मस्जिद फादर नाउ नेक्स्ट है लिनाज आंटी बोट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना इट कॉस्ट थर्टी वन सो उसे थर्टी वन का हुआ फाइंड वट इज़ द कॉस्ट ऑफ इंडियन रुपीज़ अब इंडियन रुपीज़ में उसका कॉस्ट कितना है तो जो चाइनी चाइना का जो यून है उसका प्राइस है फाइव रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे तो हमें क्या करना पड़ेगा थर्टी को मल्टीप्लाई करना है फाइव रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे से एंड देन आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव रुपीज़ सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज तक वॉन्ट सम होंगकोंग डॉलर एंड वोन ठीक है सो so उसे जो है अपने रुपीस को चेंज करना है इसमें फोर रुपीस उसके पास है और उसे उसे जो है दूसरे डॉलर्स में या दूसरे करेंसी में यूज करना है या चेंज करना है सो so फोर रुपीस है तो होंगकोंग या फिर सॉरी uh, वोन में उसे चेंज करना है फर्स्ट ऑफ तो ऑल इसे सो डैट इज़ ज़ीरो तो अब इसको हम कैसे करेंगे अब देखो इसमें क्या करते हैं आपका जो 0.04 दिया है सबसे पहले तो उसे फ्रैक्शन में चेंज करो फ्रैक्शन में हम यहाँ से वन को डेसिमल हटाया वन देन ज़ीरो ज़ीरो अब हम क्या करेंगे ये वाला जो नंबर है इससे इसको करेंगे डिवाइड ओके okay? अब यहाँ पे क्या नंबर बचा ओनली फोर डेसिमल को हटाने के बाद बिकॉज आगे जीरो तो उनका कोई वैल्यू नहीं है सो so, इस नंबर से इसको किया डिवाइड तो कितना आ गया वन और जो नीचे वाला नंबर है उससे आप करोगे मल्टीप्लाई सो so, कितना आंसर बनेगा यहाँ पर हंड्रेड सेम जो है आप फोर हंड्रेड के लिए करोगे अब फोर हंड्रेड को डिवाइड करोगे फोर से तो कितना बनेगा हंड्रेड एंड देन इस नंबर से जो नीचे नंबर आया उससे करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आएगा आपका हंड्रेड एंड देन यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन थाउजेंड ओके देन जस्ट मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करो फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो ऊपर वाला नंबर है उससे आप करोगे डिवाइड जैसे अब इसका है हमें इसको होंगकॉन्ग डॉलर में चेंज करना है सो so होंगकोंग का प्राइस हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना है फाइव रुपीज़ एंड टेन पैसे ओके फाइव रुपीज़ एंड टेन पैसे सो so ये है यहाँ पर सो so सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में अब ये वाला जो नंबर है इसको करेंगे इससे डिवाइड ठीक है या फिर अब ये आपके पैसे बन गए तो इसको भी आप या फिर पैसे बना सकते हो जस्ट आप इसको पहले डिवाइड कर दो एंड डिवाइड करने के बाद ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करती हूँ कि पहले इस नीचे वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सो फाइव ज़ीरो एट डबल ज़ीरो ठीक है अब इससे कर देंगे इसको डिवाइड ओके सो आंसर लगभग जो है आपका नाइन्टी नाइन आएगा तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका 99. नाइन so, सो इस तरह डिवीज़न वगैरह जैसे आप नॉर्मल करते हो मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न वैसे ही करना है सो so, इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं नाउ किरण ब्रांड शॉपिंग विद टू हंड्रेड रुपीज़ अब टू हंड्रेड रुपीज़ के लिए शॉपिंग के लिए गई है लुक एट द बिल एंड द शॉपकीपर फोर गेट टू पुट द पॉइंट करेक्टली वो जो है पॉइंट लगाने भूल गए हैं सो पॉइंट आपको लगाना है सो so, यहाँ पर टू पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव फिफ्टी पॉइंट एंड दिस सिक्स थाउजेंड सिक्सटी हो गया देन इन सबको आपको ऐड करना है सो आंसर होगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी अब आपको बताना है विच सिटी इज कूलर इनमें से कौन सी सिटी जो है ज़्यादा जो है कूलर है द टेम्परेचर इन इस सिटी वॉज नोटेड एट थ्री पी एम ऑन जनवरी जनवरी की जो थ्री पी एम यानी कि दोपहर का जो टाइम था उस टाइम पर इसे नोट किया गया है टू थाउजेंड एट में विच प्लेस हैड द हाइस्ट टेम्परेचर एट थ्री पी एम कौन सी प्लेस ऐसी है जिसमें जो है हाइस्ट टेम्परेचर है सो हाइस्ट टेम्परेचर यहाँ पर कहाँ है थिरुवंतनमपुरम ओके एंड विच इज द coolest at the same time. और सबसे ठंडी कौन सी है श्रीनगर Next है how much higher is the temperature in Mumbai from then डेट इन् श्रीनगर श्रीनगर से कितना ज़्यादा है मुंबई का टेम्परेचर तो हम क्या करेंगे इसमें इसको करेंगे सबटैक्ट एंड आंसर विल बी ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी डिग्री विल द टेम्परेचर टू राइज फॉर इट रीच फोर्टी डिग्री सेल्सियस इन त्रिवेंद्रमपुरम त्रिवेंद्रमपुरम में से 40 डिग्री जाने के लिए कितना और इंक्रीज करना होगा या तो आप 40 में से इसको सब्टेक्ट कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं 40 तक जाने में सो डैट इज 6.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस नाउ हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम डैट इन चेन्नई चेन्नई से जो है कोलकाता का टेम्परेचर कितना चेन्नई एंड कोलकाता दिस इज चेन्नई एंड कोलकाता सो कोलकाता का टेम्परेचर चेन्नई से कितना कम है सो थ्री पॉइंट सॉरी थ्री पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस अब जैसे उनको सब्टैक्ट करके इजिली आंसर निकाल सकते हो टेम्परेचर इन दिस सिटी वॉज ऑल्सो नोटेड एट थ्री ए एम अब ये टेम्परेचर कब का है थ्री ए एम का ठीक है सेम डे पर ट द टेबल एंड आंसर द्वेश्चन को देखना देना है विच प्लेस एज द लोए टेम्परेचर एट थ्री ए एम कौन सी प्लेस ऐसी है जिसमें जो है टेम्परेचर सबसे कम है सो थ्री ए एम में सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर किसमें है यहाँ पर सेम अगेन श्रीनगर एंड वट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट थ्री पी एम एंड थ्री ए एम इन चेन्नई एंड भोपाल सो चेन्नई एंड भोपाल में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आपको बताना है कितना है सो थ्री पी एम में अगर चेन्नई में आप देखते हो सो डैट इज 29 डिग्री सेल्सियस एंड ए एम में अगर आप देखोगे तो 21.1 डिग्री सेल्सियस सो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 8.8 डिग्री सेल्सियस एंड देन सेम भोपाल के लिए अगर आप देखोगे सो डेट इज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस थ्री पी एंड थ्री ए पर है नाइन डिग्री सेल्सियस सेम हमें सब्टैक्ट करना है तो so आंसर कितना होगा सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस सो so, ये आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू